हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस टेस्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या आप सभी को मेरी तरफ से। आज के टॉपिक में हम क्या बातें करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कन्फॉर्मल मैपिंग। दैट व्हाट इज कन्फॉर्मल मैपिंग, कन्फॉर्मल मैपिंग हम किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। एंड देयर इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप सब बच्चों को जानना चाहिए, एंड दैट इज़ कि हम लोग अभी जो हमारा यूट्यूब का सेशन होगा जिसमें हम लोग कन्फॉर्मल मैपिंग सीखेंगे। कल हम रॉजर्स थ्योरम के ऊपर बातें किए थे, उसके पहले आर्गुमेंट प्रिंसिपल के ऊपर बातें किए थे। तो जो भी चीज़ें हम सीख रहे हैं, इसके बाद 8:30 PM पे हम लोग फिर से मिलेंगे मास्टर क्लास पे। और उस मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, उस मास्टर क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको इस स्कैनर को स्कैन करना है। यहाँ से आप टेस्टबुक का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसी ऐप पे आपको मास्टर क्लास मिलेगी। दिस इज कम्प्लीटली फ्री, ये एकदम फ्री मास्टर क्लास है, ठीक है। इस मास्टर क्लास का आप बच्चों को लिंक कहाँ पे मिलेगा बच्चों? तो आप इस मास्टर क्लास का लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल रमन सर टेस्टबुक पे मिल जाएगा, ठीक है। आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। नाउ कम टू टुडेज टॉपिक। देयर इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस कि टेस्टबुक सुपर कोचिंग एक फ्री वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा है आप सभी CSIR बच्चों के लिए, जिसमें आपको बताया जाएगा कि व्हाट यू शुड डू इन योर अपकमिंग एग्जाम, आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या आपका माइंड मैपिंग होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे सर। तो डेफिनेटली आप सब जुड़िए। 20 अप्रैल को 9:30 PM पे आप सभी बच्चे कनेक्ट होइए, ठीक है। नाउ कम टू टुडेज टॉपिक, कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग, व्हाट इज कन्फॉर्मल मैपिंग, ठीक है। कन्फॉर्मल मैपिंग मतलब एफ कोई फंक्शन होगा उसको हम कन्फॉर्मल मैप कहेंगे, ठीक है। एफ को हम कन्फॉर्मल मैप कहेंगे। सो देखो कन्फॉर्मल मैप हम कब कहते हैं, जैसे देखो एफ हमारा कोई फंक्शन है, एफ बी एनी मैप, एफ हमारा C2C कोई फंक्शन है, इसको हम कन्फॉर्मल मैपिंग कब कहते हैं? C2C कोई फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो इसको हम कन्फॉर्मल कब कहते हैं? ध्यान दो, अगर मेरे पास सपोज दो कर्व है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में दो कर्व है, ये मेरा XY प्लेन है, यानी डोमेन में हमारा कोई कर्व है, ठीक है। ये मेरा X एक्सिस है, दिस इज Y एक्सिस, ये मेरा कर्व C1 है, ये मेरा कर्व C2 है, ठीक है। ये दो कर्व दिया हुआ है डोमेन में, ओके इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा है, इसके बीच का एंगल थीटा है। डोमेन में कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक है, कुछ भी कर्व दिया हुआ हो सकता है। नाउ अब अगर इस का मैं इमेज लूं, इफ C2C जो फंक्शन है इमेज लूं, तो इस कर्व का भी कुछ इमेज आएगा, इस कर्व का भी कुछ इमेज आएगा, लाइक U एक्सिस V एक्सिस हमारा बनेगा, ठीक है, U एक्सिस V एक्सिस बनेगा हमारा। और इमेज क्या आएगा बच्चों? ध्यान दो, इमेज विल बी व्हाट? कर्व का इमेज सपोज ऐसा ही आता है, ठीक है, कर्व का इमेज ऐसा होता है। ये अगर जेड नॉट है, जेड नॉट है, तो कर्व का इमेज भी अगर ऐसा हो जाए, ये क्या रहेगा? एफ जेड नॉट, और ये हमारा C1, तो एफ ऑफ C1, ये एफ ऑफ C2 है। अब ध्यान दो, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा था ना, जो इंटरसेक्शन था इसका, यहाँ पे भी एंगल अगर थीटा है, और इमेज के बाद भी अगर इस कर्व का एंगल क्या रह जा रहा है? थीटा ही रह जा रहा है, ठीक है। एंड ओरिएंटेशन भी एंगल का वही रह जा रहा है, मतलब ओरिएंटेशन करने का मतलब यहाँ से इधर थीटा जा रहा था, अभी भी ओरिएंटेशन क्या है? थीटा ही है। तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन मेरा क्या है? कन्फॉर्मल मैप। फंक्शन हमारा क्या है? कन्फॉर्मल मैपिंग है, कन्फॉर्मल मैपिंग है। जैसे देखो अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, अगर हमारे पास FZ = Z है, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, ये XY प्लेन है, यहाँ पे मैं दो कर्व लेता हूँ, दो स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, दो कर्व लेता हूँ, ठीक है। व्हाट आर दोस? ये X = something 2, ठीक है, मतलब ये जो कर्व, ये हमारा कर्व C1 है, C1 जो कर्व है हमारा, ठीक है, C1 जो कर्व है X = 2 है। X = 2 कहने का मतलब कि X की वैल्यू 2 प्लस जो भी आयोटा इमेजिनरी पार्ट पूरा का पूरा रियल नंबर है। दूसरा मेरे पास कर्व क्या है? C2 है। ये मेरे पास क्या है? Y की वैल्यू 3 है, मान के चलो ये Y की वैल्यू 3 है। So, यहाँ पे नहीं, ऊपर थोड़ा करके लिखते हैं, ठीक है। ये मेरा कर्व है, ठीक है, जिसमें Y की वैल्यू क्या है? 3 है। ये ऐसे जा रहा है, ओके, ये ऐसे जा रहा है। अब ध्यान दो, ये डोमेन में है मेरा, XY प्लेन में, इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है इसके बीच का एंगल, इन दोनों कर्व का C1 और C2 के बीच का एंगल। नाउ अब अगर आप देखोगे इसका इमेज लोगे, C1 और C2 का अगर इमेज लोगे तो इमेज वही का वही रह जाएगा क्योंकि फंक्शन आइडेंटिटी है ना, आपका फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी है, तो इमेज क्या रह जाएगा, वही का वही इमेज रह जाएगा, इमेज विल बी सेम। तो अगर इमेज सेम रह जाएगा मतलब यू एक्सिस वी एक्सिस, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड है, यानी यू की वैल्यू वही रह जाएगी, यू इक्वल्स टू 2। यहाँ जो C1 इमेज अगर लेते हो, इस C1 कर्व का इमेज क्या होगा बताओ, अगर मैं C1 लूँ, ये कैसा है, 2 प्लस आयोटा वाई है, तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड है फंक्शन, यानी एफ ऑफ 2 प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल होगा, 2 प्लस आयोटा वाई के इक्वल, यानी u की वैल्यू क्या हो गई 2, इसको कैसे लिखोगे आप, u प्लस आई भी समझते हो ना, तो u की वैल्यू 2 हो गई एंड v इज इक्वल्स टू जो भी y है आपका, यानी y बिलोंग्स टू r, यानी u फिर से क्या आ गया कांस्टेंट, यानी c1 का इमेज क्या रह गया, यही रह गया c1 का इमेज यही रह जाएगा, ठीक है। और c1 ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में दिया हुआ है, मतलब y इंक्रीज कर रहा है, तो y इंक्रीज करने पे v भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो सेम ही डायरेक्शन है ना, सेम ही डायरेक्शन है। नाउ C2 का भी, अगर C2 की इमेज की बात करूं तो ये मेरा अगर C2 है तो C2 का इमेज वही रह जाएगा इसी डायरेक्शन में, C2 का इमेज वही रह जाएगा आपका, C2 हैज आल्सो सेम इमेज, C2 के पास भी सेम इमेज रहेगा, C2 के पास भी सेम इमेज रहेगा। क्यों सेम इमेज रहेगा बच्चे, क्योंकि अगर आप एफ ऑफ जेड के अंदर C2 का इमेज लेते हैं, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू जेड C2 लेते हैं, मतलब एफ एक्स प्लस आयोटा 3, तो ये क्या रह जाएगा, x प्लस आयोटा 3 ही रह जाएगा, यानी u प्लस आयोटा v, यानी v की वैल्यू क्या रह जाएगी 3 रह जाएगी, v की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। सो C2 यानी v की वैल्यू क्या हो गई 3, u की वैल्यू क्या हो गई 2, यही हमारे पास इमेज भी रह गया। अब देखो ये जो दो कर्व था आपके पास, ये जो दो कर्व थे C1 C2 जिनके बीच एंगल क्या था 90 डिग्री, और एंगल ऑफ ओरिएंटेशन ऐसे है, इधर से शुरू करो इधर के ऊपर जाओ, एंगल ऑफ ओरिएंटेशन सेम है, तो यहाँ पे भी वही रहा, जहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां पे भी एंगल मेरा क्या हुआ, इमेज का भी जो इमेज वाला कर्व आया, ये एफ ऑफ C1 एक्चुअली और एफ ऑफ C2, एफ ऑफ C2, तो इमेज कर्व का भी एंगल क्या रहा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे सेम ही रह गया, 90 डिग्री रह गया ना। और ओरिएंटेशन भी एंगल का, मतलब ये इधर जा रहा था तो इंक्रीजिंग से शुरू करो, ये इधर जा रहा था उधर से शुरुआत करो, तो ओरिएंटेशन भी क्या रह गया, सेम रह गया। तो ऐसे फंक्शन को ना कंफॉर्मल मैपिंग कहते हैं, मतलब कि कोई फंक्शन मेरा कोई पॉइंट जेड नॉट पे कंफॉर्मल तभी होगा जब उससे पास करने वाला कोई दो कर्व, ठीक है, कोई भी दो कर्व है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग कर्व है, उनका एंगल प्रिजर्व रहे, मतलब अभी जो यहाँ पे एंगल था और जो इमेज हमने फाइंड की वहां पे जो एंगल है, दोनों एंगल क्या रहा 90 डिग्री, ठीक है, दोनों एंगल क्या रह गया बच्चों 90 डिग्री रह गया। और ओरिएंटेशन मतलब अभी एंटी क्लॉकवाइज था, एंटी क्लॉकवाइज एंगल था, अभी भी एंगल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही है, एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो ऑर्थो यानी कंफॉर्मल मैपिंग वैसा मैपिंग है जो एंगल को प्रिजर्व करता है, एंगल क्या करता है, प्रिजर्व करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो दो कर्व थे C1 C2, इनका जो इमेज आया FC2 और FC1, इनके बीच का एंगल यहाँ पे थीटा था, तो इसका जो इमेज आ रहा है उसके कर्व का भी एंगल क्या है, थीटा ही है, ठीक है। और ओरिएंटेशन भी क्या रह जाए बच्चों, सेम रह जाए, ओरिएंटेशन इज आल्सो सेम, ओरिएंटेशन का भी कोई डिफरेंस ना हो, ओके, ओरिएंटेशन भी क्या रह जाए, सेम रह जाए। तो ऐसे सिनेरियो को हम क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल इट एज, इट इज कॉल्ड कंफॉर्मल मैपिंग, कंफॉर्मल मैपिंग। तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंफॉर्मल मैपिंग का डेफिनेशन, कंफॉर्मल मैपिंग का डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन गुड वर्ड्स, लेट F be defined on D, let Z naught belongs to D, if the angle between any two oriented curve at Z0 is preserved under F, ठीक है, F फंक्शन के अंडर प्रिजर्व हो, in magnitude and in direction, in magnitude and magnitude as well as in direction as well as in direction, then we called f as conformal at z naught, f as conformal at z naught। ध्यान दो हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमारे पास डेफिनेशन वही कह रहा है, इफ अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जो डिफाइंड है d पे, z नॉट मेरा पॉइंट है, इफ द एंगल बिटवीन एनी टू ओरिएंटेड कर्व, लाइक z मेरा कोई पॉइंट है, इसके बीच में कोई भी दो ओरिएंटेड कर्व है, ठीक है, इसका जो एंगल है, ये जो दो ओरिएंटेड कर्व है इनके बीच का एंगल अगर थीटा है और ओरिएंटेशन ऐसा है, ठीक है, डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, तो दिस ये हमारा c1 कर्व है, ये c2 कर्व है, ठीक है। So if the angle between two oriented curve at z naught is preserved under f, f के अंदर वो प्रिजर्व है, मतलब अगर मैं इस कर्व का इमेज बना रहा हूँ ना, तो इसका अगर जो इमेज आ रहा है हमारा, इसका जो इमेज आ रहा है उसके इमेज के अंदर ये मेरा क्या है, प्रिजर्व है। इसके इमेज के अंदर भी एंगल हमारा कितना मिलना चाहिए, थीटा ही मिलना चाहिए। प्रिजर्व्ड इन f, प्रिजर्व अंडर f इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन भी प्रिजर्व होना चाहिए उसका और मैग्नीट्यूड भी प्रिजर्व होना चाहिए। डायरेक्शन प्रिजर्व और मैग्नीट्यूड प्रिजर्व होने का मतलब क्या हुआ कि अभी एंगल क्या है इसका, थीटा है, बाद में भी इमेज का भी एंगल क्या आना चाहिए, थीटा आना चाहिए, ठीक है। नाउ इसका जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, वही इसका भी डायरेक्शन मिलना चाहिए। सो एंगल भी प्रिजर्व हो, मैग्नीट्यूड भी प्रिजर्व हो, ठीक है, एंगल भी प्रिजर्व हो आपका, मैग्नीट्यूड भी प्रिजर्व हो। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, f ऑफ z इक्वल्स टू z लेते हो अगर, तो इसमें क्या है, एंगल भी प्रिजर्व है। यहाँ पे अगर दो कर्व ले रहे हैं तो यहाँ जो इमेज आ रहा है उसका भी एंगल 90 डिग्री है, यानी एंगल इज आल्सो प्रिजर्व एंड डायरेक्शन इज आल्सो प्रिजर्व। डायरेक्शन देखो, यहाँ से यहाँ तक जब आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ये भी एंगल हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन इज आल्सो प्रिजर्व। ओके, सो ऐसे पॉइंट को जहां पे ये प्रिजर्व रह जाएगा जिस z नॉट पे, उसको मैं क्या बोलूंगा कि उस z नॉट पे फंक्शन हमारा क्या है, कन्फॉर्मल है। उस z नॉट पे आपका जो मैपिंग है वो क्या है, कन्फॉर्मल, ठीक है। देयर इज अनदर कांसेप्ट कॉल्ड आइसोगोनल मैपिंग। अब जैसे देखो मैं आपको बताता हूं थ्रू एग्जांपल, अगर आप fz इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट लेते हैं, z कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है, और दो कर्व मैं आपको दे रहा हूं एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कर्व हमारे पास क्या है बच्चों, यूनिट सर्कल है इस डायरेक्शन में, यूनिट सर्कल है इस डायरेक्शन में, और स्ट्रेट लाइन है इस डायरेक्शन में। ध्यान दो, यूनिट सर्कल है इस डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन है इस डायरेक्शन में, यानी कर्व मेरे पास क्या है। अगर इस कर्व की मैं बात करूं, C1 की अगर आप बात करते हो, तो C1 जो मेरा कर्व है वो क्या है, यूनिट सर्कल है, ठीक है, यानी cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, ये हमारा कर्व है, ठीक है, C1 जो कर्व है हमारा, ठीक है। नाउ C2 जो कर्व है मेरे पास, C2 क्या है मेरे पास, t प्लस आयोटा t, t बिलोंग्स टू 0 to 5, कुछ भी जी, t बिलोंग्स टू -10 to 10, कुछ भी मैंने लेता हूँ, वॉट एवर, ये मेरा कर्व है, ठीक है। तो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ऊपर वाला जो C1 है वो सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा, और ये y equals to x रिप्रेजेंट कर रहा। ये y equals to x से कैसे जा रहा है, t मेरा -10 to 10 जा रहा है, यानी ऐसे इंक्रीजिंग है, ये ऑरिजिन से पास कर रहा है। ध्यान दो, ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, इसको और मैं अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ठीक है। नाउ सी व्हाट विल हैपन, अगर मैं इस कर्व का इमेज लेता हूं, इस कर्व का इमेज लेता हूं जेड क्रॉस के अंदर, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे ये कट कर रहा है, एंगल कितना है कट करने का, एंगल कितना है कट करने का बच्चों, ध्यान दो, तो ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है, रेडियस वेक्टर है, 90 डिग्री पे कट कर रहा और क्लियरली ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन इसका, इट्स डायरेक्शन इज योर एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है 90 डिग्री यानी पॉजिटिव 90 डिग्री एंगल है, सीधे ही कर सकते हो। ओरिएंटेशन मेरा क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है, ओरिएंटेशन पॉजिटिव है यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इधर जो जा रहा है इधर से शुरुआत करें और ये कर्व किधर जा रहा था, इधर जा रहा था, ठीक है, क्लियर है ये। अब अगर मैं C1 का इमेज लेता हूं, अगर मैं C1 का इमेज लेता हूं यानी U भी प्लेन आएगा इमेज पे, तो बताओ जो यूनिट्स कर्व है मेरा U और V, जो यूनिट कर्व है, ठीक है, यूनिट ध्यान से देखना, अगर मैं इस कर्व का इमेज ले रहा हूं, पूरे के पूरे यूनिट सर्कल का इमेज ले रहा हूं इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो क्या होता है बताओ? अगर मैं कोई भी कर्व का, कोई भी कर्व है अगर मेरे पास ऐसा है जेड कॉन्जुगेट के कॉरस्पॉन्डिंग, अगर मैं इसका इमेज ले रहा हूं तो इसका इमेज क्या बन जाता है बताओ? जस्ट इमेज विल बी योर रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, यानी इसका इमेज क्या बन जाएगा आपका? ऐसा कुछ बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। बताओ क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इमेज में क्या होगा, जेड कहाँ पे ट्रांसपोज हो रहा है, जेड का इमेज क्या बन रहा है? जेड कॉन्जुगेट, यानी जो एक्स प्लस आयोटा वाई है, एक्स प्लस आयोटा वाई अगर यहाँ पे है तो वो क्या बन जा रहा है? एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी एक्स तो पॉजिटिव ही है, सिर्फ चेंज क्या आ रहा है? वाई में चेंज आ रहा है। जैसे ये वाई अभी पॉजिटिव था, वो वाई क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा, बन जाएगा ना। यानी विद रिस्पेक्ट टू जेड कॉन्जुगेट द इमेज विल बी जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इमेज विल बी व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस आएगा ना इमेज, क्लियर है ये बात। यानी ये जो यूनिट सर्कल है, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है उसका इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो सर्कल फिर से तो सर्कल ही दिखेगा ना, सर्कल अगेन सर्कल ही दिखेगा, सर्कल अगेन क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा, दिखेगा बताओ। अगर आप सर्कल का इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लोगे तो ये सर्कल जस्ट क्या दिखेगा? सर्कल दिखेगा, ठीक है। अब ध्यान देना बात ये है कि इमेज तो सर्कल रहेगा बट ओरिएंटेशन कैसा रहेगा? अभी ओरिएंटेशन ऐसा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब 0 1 के बाद कहाँ जा रहे थे हम? 0 0 पे जा रहे थे, 0 0 1 के बाद नहीं, 1 0 है, 1 0 के बाद 0 0 पे जा रहे थे, 1 0 के बाद 0 0 पे जा रहे थे, जा रहे थे ना। अब इसका ओरिएंटेशन ना चेंज कर जाएगा, ये 0 1 पे जा रहे थे, क्यों चेंज कर जाएगा? देखो ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, ये वाला पॉइंट का इमेज कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, ठीक है, ये वाले पॉइंट का इमेज क्या आएगा? यहाँ आएगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट का इमेज यहाँ आएगा, और इस वाले पॉइंट का इमेज कहाँ रहेगा? यहीं पे रह जाएगा। 1 0 का इमेज क्या होगा? तो अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे जा रहे थे, अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐसे आओगे, ऐसे आओगे ना आप। यानी पहले ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज था, अभी ओरिएंटेशन सिर्फ क्या हो जाएगा आपका? क्लॉकवाइज हो जाएगा। बच्चे क्या ओरिएंटेशन चेंज करेगा, ये समझ में आया? देखो पहले यहां से ऐसे जा रहे थे आप, ऐसे जा रहे थे, अब ये लाइन कैसे जाएगा? देखो ये वाला यहीं पे मैप करेगा, बट ये वाला जो पॉइंट है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, चेंज हुआ ना, तो ओरिएंटेशन चेंज कर गया। सिमिलरली इस स्ट्रेट लाइन का क्या आएगा? इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका इमेज क्या आ जाएगा? ऐसा हो जाएगा। अगर मैं इसका इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लूं तो इसका इमेज ऐसा दिखेगा, बताओ, इसका इमेज इधर, इसका इमेज इधर, यानी ये कैसा बन जाएगा आपका? ये कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। ओरिएंटेशन क्या होगा? देखो तो ये जो है ये ऐसे जा रहा था, अभी भी ये ऐसे जाएगा। ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा बच्चा? इसका ऐसे हो जाएगा। ओरिएंटेशन विल बी दिस, ओरिएंटेशन विल बी दिस, ये हो जाएगा आपका ओरिएंटेशन। क्यों ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन ऐसा क्यों होगा? देखो ये वाला पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये 1 0 है, इसके बाद ऐसे जा रहे हो आप इस डायरेक्शन में, तो ये भी 1 0 है, उसके बाद इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना। ओरिएंटेशन अगर इसका देखते हो तो वो चेंज नहीं किया, नहीं चेंज किया। देखो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन पे यहाँ पे एंगल कितना था? 90 डिग्री। यहाँ पे भी जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इमेज में होगा उसके पास भी एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो एंगल तो इमेज के दौरान प्रिजर्व है, बट डायरेक्शन देखो एंगल का, अभी इसका जो इंक्रीजिंग है और ये इधर जो जा रहा है इसका ओरिएंटेशन, यहाँ से एंगल का शुरुआत किए तो एंगल का डायरेक्शन क्या आया आपका? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आया। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर इधर इसका बढ़ रहा, और इधर से इसका बढ़ने पे देखेंगे तो एंगल का जो ओरिएंटेशन है वो क्या है बच्चों, एंगल का जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, ध्यान दो। पहले एंगल का ओरिएंटेशन क्या था, इस डायरेक्शन में था, अभी एंगल का ओरिएंटेशन इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में मतलब कर्व देखो यहाँ से आ रहा तो आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझो या ऐसे समझो, सेम ओरिएंटेशन है। यानी अभी एंगल ऑफ ओरिएंटेशन क्या है, एंगल का जो डायरेक्शन हुआ वो क्या हुआ, क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो ध्यान दो कन्फॉर्मल मैपिंग में क्या होता है आपका कि जहां इंटरसेक्ट कर रहा है, दो कर्व मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे दो कर्व इंटरसेक्ट किया, ये कर्व C1 और C2 इंटरसेक्ट किया, तो इमेज में एंगल भी प्रिजर्व होता है और डायरेक्शन भी प्रिजर्व होता है कन्फॉर्मल मैपिंग में, ठीक है। जैसे मैंने अभी जेड का इमेज लेके दिखाया आपको, जेड में देखोगे आप तो एंगल यहाँ पे 90 डिग्री प्रिजर्व रहा और डायरेक्शन भी प्रिजर्व रहा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे एंगल तो प्रिजर्व है बाय डायरेक्शन प्रिजर्व नहीं है, तो वी कॉल्ड सच मैप इज आइसोगोनल मैप, उसको कन्फॉर्मल मैपिंग कहते हैं और इसको क्या कहते हैं बच्चों, आइसोगोनल मैपिंग कहते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कन्फॉर्मल मैपिंग होता क्या है और आइसोगोनल मैपिंग होता क्या है, क्या ये बातें क्लियर हुई, बताइए आप, क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्लियर हुआ कि कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होता है और आइसोगोनल मैपिंग क्या होता है, क्या आप सभी बच्चे बताइए। देखो काफी ट्रिकी कॉन्सेप्ट है और ट्रिकी कॉन्सेप्ट भी नहीं है, अगर सिर्फ डेफिनेशन की बात करोगे तो डेफिनेशन में क्या है आपको लिख के दे दिया जाएगा, वेदर यू आर स्टडीइंग एनी बुक्स और एनीवेयर तो लिख दिया जाएगा कि एंगल प्रिजर्व है, एंगल और डायरेक्शन दोनों प्रिजर्व है, एंगल डायरेक्शन दोनों प्रिजर्व है, एंगल प्लस डायरेक्शन यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो ये क्या हुआ कन्फॉर्मल। सिर्फ एंगल प्रिजर्व हो यानी मैग्नीट्यूड तो क्या हुआ आइसोगोनल। बट हमें थ्रू एग्जांपल क्या हो रहा है एक्चुअली में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने यहाँ पे समझा कि एक्चुअली आइसोगोनल मैपिंग क्या है, एंगल प्रिजर्व है, हम देख रहे हैं कि दो कर्व का इंटरसेक्शन पे एंगल प्रिजर्व है बट हियर डायरेक्शन इज नॉट प्रिजर्व, तो दिस इज योर एग्जांपल ऑफ आइसोगोनल मैपिंग, this is your example of isogonal mapping and this is example of your conformal mapping। ये हमारा क्या हुआ conformal mapping का example हुआ, ठीक है। this is the mapping of, this is the image of conformal mapping, clear है ये। now अब हम क्या हर बार चेक करते रहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन किस पॉइंट पे कन्फॉर्मल है, हमें कब पता चलेगा। अब हर जगह तो हम जेड नोट पे चेक नहीं करते रहेंगे ना हर कर्व को लिख के कि हाँ भाई हर कर्व का जो इमेज और एंगल प्रिजर्व है कि नहीं उस पॉइंट पे। हमें ये पॉइंट कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कन्फॉर्मल है या नहीं। सो जहां पे भी अगर आपके पास कोई इंटायर फंक्शन है, ठीक है, जहां पे भी उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो आता है वहां पे फंक्शन क्या होता है, कन्फॉर्मल होता है। आइसोगोनल मैपिंग का मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, just a definition of isogonal mapping, definition of isogonal mapping। so actually I should कोई जरूरत नहीं है definition की, मैंने dictate already कर दिया isogonal map, ठीक है। if only magnitude is preserved, if only magnitude is preserved under f but not direction, at intersecting point of curve, not direction at intersecting point z naught, then we called it as isogonal mapping, we called it as isogonal map, isogonal mapping कहते हैं उसको, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख लिया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो क्या कहता है कि हम कन्फॉर्मल मैपिंग कैसे चेक करते हैं। तो अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है ओवर द डी, तो जहां पे भी उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो है वहां पे फंक्शन हमारा क्या होता है, हमारा कन्फॉर्मल होता है। लाइक रिजल्ट हमारे पास क्या है, इफ f इज analytic on D, and Z naught belongs to D, then if f prime Z naught is not equals to 0, then f is conformal at Z naught. f हमारा क्या होगा, Z naught पे conformal mapping होगा, ठीक है। यानी फंक्शन अगर एनालिटिक है जहाँ पे उसका डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा है, उस पर हमारा क्या होता है, कन्फॉर्मल होता है। जैसे अगर आप बात करो एफ जेड इक्वल्स टू अगर 1/z है, तो ये कहाँ पे कन्फॉर्मल होगा? अगर मैं बात करूँ कि ये कहाँ पे कन्फॉर्मल मैपिंग होगा, तो इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे f प्राइम z, तो ये क्या आएगा, -1/z²। ये नॉन जीरो कहाँ पे होगा, ऑन सी स्टार, यानी c माइनस जीरो पे नॉन जीरो होगा, तो हम बोल सकते हैं योर एफ जेड इज कन्फॉर्मल ऑन सी स्टार, ठीक है। क्लियर है, बहुत आसानी से बता सकते हैं इस रिजल्ट का यूज करते, कि दैट योर fz इज कन्फॉर्मल एट सी स्टार, ठीक है। क्लियर है ये। सो अब एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्फॉर्मल, ऑप्शन फर्स्ट है which of the following could be conformal, फर्स्ट है ऑप्शन साइन ऑफ जेड, इक्वल्स टू 0, दूसरा ई टू दी पावर जेड एट जेड इक्वल्स टू 1 + iota, थर्ड है ई टू दी पावर 1/z जेड इक्वल्स टू 0, एंड फोर्थ है जेड इक्वल्स टू 2 iota। और e to the power sin z z equals to 0, कहाँ पे कौन कन्फॉर्मल है बताओ, कौन कन्फॉर्मल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कन्फॉर्मल, ये क्वेश्चन आप सब बच्चों के लिए होमवर्क है। ये बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप सब बच्चे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जस्ट यूज दैट प्रीवियस लेसन। तो कन्फॉर्मल मैपिंग में हमारे पास इतना ही था। हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह चीजें पढ़ेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, ठीक है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रमन सर टेस्ट बुक, तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए इस टेलीग्राम चैनल पे। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन अस देन यू कैन ज्वाइन बाय दिस कूपन कोड रमन फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। यू कैन सी हियर वी हैव अ बूस्टर बैच, जो कि मैथमेटिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस सभी बच्चों के लिए है। यहाँ पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो अभी आपका एग्जाम होने वाला है, हम लोग मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी सेशन कंडक्ट करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सके, ठीक है। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन अस यू कैन ज्वाइन बाय द कूपन कोड रमन फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके बच्चों, थैंक यू। आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली सेशन को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।